हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ 10 का दम का सेशन। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस 10 टेस्ट 10, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में ही कंडक्ट हुआ था। पेपर काफी बढ़िया था, आप सभी ने बढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को विशेष धन्यवाद। और सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी अली सर और मनी सर को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने पेपर का बखूबी बहुत ही शानदार एक्सप्लेन किया है। थैंक यू मनी सर, अली सर, बेस्ट पेपर एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद एडमिशन नीट 2024 आप देख सकते हैं हमारे डायरेक्टर सर का मिशन की पढ़ने का अधिकार सभी को और डॉक्टर बनने का अधिकार सभी को। और ये बायोलॉजी का स्केच देख सकते हैं, और ये डॉक्टर बनते हुए आप लोग के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फीलिंग्स जो आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर दिख रही है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी की स्केच में सारी चीजें हैं जो साल भर आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी में। तो हमारे कंप्यूटर स्ट्रीम करने वाले, यूट्यूब स्ट्रीम करने वाले बच्चों ने इसको बनाया है। और यहाँ पर ये 10 का दम FST 10 आप देख सकते हैं। और कुछ नहीं, ये रहा आपके सामने पहला सवाल कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। कुछ नहीं था, देखिए इसमें लिखा कि इन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक एम्ब्रियो आर ऑलवेज ट्रांसफर इनटू यूट्रस। आपको मालूम है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो पहला स्ट्रक्चर क्या बनता है? जायगोट, जायगोटी बनता है ना। ठीक, पहला स्ट्रक्चर क्या बनता है? जायगोट। और जायगोट से बनता है फिर एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो भी कई नंबर ऑफ सेल्स के लिए अलग अलग होते हैं। अब जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होता जाता है, इसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगते हैं। ठीक, जैसे मामला में 8 से 2 से 16 सेल हो जाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स 16 के आसपास मामला में होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगते हैं। तो अगर मैं कहूं कि या तो जायगोट ले लो, या तो जायगोट या एम्ब्रियो, ठीक, एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज, आपकी बुक में यही चीज लिखी है, या तो जायगोट या अप टू 8 सेल स्टेज, इसका ट्रांसफर आप करेंगे फैलोपियन ट्यूब में। ठीक, फैलोपियन ट्यूब में, और इस प्रोसेस का क्या नाम था? जेप्ट। और दूसरा केस था IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इसमें मोर देन 8 ब्लास्टोमियर का एम्ब्रियो था, यही से बच्चे पकड़ नहीं पाए। मोर देन 8 ब्लास्टोमियर वाला एम्ब्रियो था, मतलब एम्ब्रियो यहां पर भी है, इसमें भी है, और एम्ब्रियो इसमें भी है, तो ये यूट्रस में ट्रांसफर हो। इसका मतलब एम्ब्रियो का ट्रांसफर केवल यूट्रस में नहीं हो सकता। ठीक है, हम फैलोपियन ट्यूब में भी कर रहे हैं। और इसमें लिखा कि एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक एम्ब्रियो ऑलवेज ट्रांसफर, नहीं ऑलवेज नहीं है, ट्रांसफर में भी ट्रांसफर इंटू यूट्रस, तब ये सही होता है, इसलिए गलत है। बहुत से बच्चे जिफ्ट में क्यों जायगोट समझ रहे थे, पहली बात उन्हें ये बात नहीं मालूम थी कि बुक पे जो लाइन लिखी है कि एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज, ठीक है, तो इसलिए सेंटेंस गलत हो गया भाई। अब ओनली आईयूडी एज, अब ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है कि रेप के कंडीशन में या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बीच में, या कभी कोई ऐसा अनकैजुअल कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए मेल और फीमेल के बीच में, तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि विद इन 72 आवर इफेक्टिव रहता है। और इसमें 3 इस्तेमाल होते हैं, तो इम्प्लांट, आईयूडी या प्रोस्टेरोन या एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। तो केवल आईयूडी एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होता, इसलिए ये भी सेंटेंस गलत है। और कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल केवल केवल पॉपुलेशन कंट्रोल या अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए किया जाता है। बात को समझिए, केवल प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए या अनवांटेड प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करते हैं, और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने की रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ, रिक्वायरमेंट तो है ही, क्योंकि अगर आप लगातार सस्टेन प्रेगनेंसी करते जाओगे तो इससे वीकनेस आती है फीमेल के अंदर, तो वो तो बच जाता है, लेकिन इसका पर्पज जो मेन गोल था वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं था। बात को समझ, देखिए ये तो बुक की लाइन ही थी कि कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट लिखा हुआ बुक में, ध्यान से देखिएगा, ये भी सेंटेंस गलत है। और स्टरलाइजेशन मेथड हाईली इफेक्टिव, ये तो सही है, लेकिन इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही पुअर है, मतलब अगर एक बार आपने वैसेक्टोमी ट्रिबेक्टोमी करा दिया तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव बेटर तरीके से काम करेगा, उसकी रिवर्सिबिलिटी पुअर रहेगी, तो ये भी सेंटेंस गलत है। तो मेरी समझ से यहाँ 4 सेंटेंस गलत है। क्वेश्चन में पूछा गया नॉट करेक्ट, तो आंसर आपका 4था, यहाँ आंसर बिल्कुल 3। बात को समझिए, तो कॉन्ट्रासेप्टिव का जो मेन गोल था वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करना था, ना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना। हालांकि थोड़ा बहुत तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर ही रहा, लेकिन रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये बुक की लाइन भी थी, आंसर था। अब इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, तकरीबन 584 बच्चों ने गलत किया है, और बहुत से बच्चों को दिक्कत हुई, जबकि कुछ नहीं था इसमें,
आपको पहचानना ही था केवल ये मेल है और फीमेल है। और बच्चों ने ये सोचा नहीं था कि डायग्राम से भी इस तरह के क्वेश्चन उन्हें मिल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, गलत होने की वजह ये नहीं है कि सवाल बहुत कठिन है, गलत होने की वजह ये है कि उन्होंने सोचा नहीं था कि डायग्राम देकर के उन्हें कंसेप्ट और थियोरिटिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अनएक्सपेक्टेबल क्वेश्चन था, क्योंकि पेपर तो मैंने ही बनाया है। तो ये मेल है ये फीमेल। अब इसमें ऑटोसोम होता है, आपकी बुक की ऑटोसोम प्लस जेड जेड होता है, इसमें ऑटोसोम होता है प्लस जेड डब्ल्यू होता है, इसका मतलब ये हेट्रोगैमेटिक है। ठीक, ये हेट्रोगैमेटिक मतलब यही सेक्स ऑफ द प्रोजेनी डिसाइड करेगी। ठीक है, यही सेक्स ऑफ द प्रोजेनी डिसाइड करेगी। ठीक, इतनी बात हमें समझ आएगी। पहला मेल है, इसके पास ऑटोसोम प्लस जेड जेड है, दूसरा दूसरी फीमेल है, इसके पास ऑटोसोम प्लस जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम है, ये हेट्रोगैमेटिक है, ये सेक्स ऑफ द प्रोजेनी डिसाइड करेगी। तो फर्स्ट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी, नहीं ये गलत हो गया। और सेकेंड डिटरमाइन सेक्स ऑफ द प्रोजेनी, बिल्कुल सही है। सेकेंड आर मेल, ये गलत है। फर्स्ट आर फीमेल, ये गलत है। तो बच्चों का सवाल इसलिए गलत हुआ क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये डायग्राम देकर के उन्हें थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाएगा और ठीक से वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ठीक, तो हमें सिर्फ यहाँ पर एक ही सही दिख रहा है और एक हमारा यहाँ है, आंसर विल बी थर्ड। तो ये बड़े दुख की बात है कि आप लोग डायग्राम को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए बच्चों। अब देखिए कुछ नहीं, ये सवाल क्यों गलत हो गया उसका भी रीजन ये, बच्चों ने नहीं सोचा था कि इस तरह के सवाल भी डायग्राम देके उन्हें मिल जाएंगे। कुछ नहीं, ये क्वेश्चन, ये डायग्राम क्या है, ये कॉटन बोलवर्म पेस्ट से इन्फेक्शन के साथ ये डायग्राम है। कॉटन प्लांट तो है ही, उसके साथ कॉटन बोलवर्म का इन्फेक्शन भी है इसमें, और ये आपका कॉटन बोलवर्म से इन्फेक्टेड है ये। ठीक है, ये डिस्ट्रॉयड हो चुका है, ये डिस्ट्रॉयड है, और ये कॉटन बॉल फुल्ली मैच्योर है, ये मैच्योर कॉटन बॉल है। बाकी ये जो डायग्राम है ये कॉटन प्लांट का कॉटन बोल वन के इन्फेक्शन के साथ, मतलब ये कॉटन से संबंधित है, मतलब ये कॉटन बोल वन से भी संबंधित है। भाई डायग्राम में हम दिखा रहे हैं कि कॉटन बोल वन से ये डिस्ट्रॉय हुआ है, ए वाला, मतलब कि इसका संबंध कॉटन बोल वन से है और इसका संबंध कॉटन से, लेकिन मेलाइडोगाइनी इनकोग्निशा से कोई संबंध नहीं। आंसर भी थर्ड, क्योंकि ये आरएनए आई में इन्वॉल्व था और ये टोबैको प्लांट से इसका संबंध है। माइंड इट, ये टोबैको प्लांट से इसका संबंध है, इसलिए ये आंसर विल बी थर्ड। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड द परसेंटेज ऑफ, कुछ नहीं, आपको जब क्वेश्चन मिलता है तो एक आपका जीन यहाँ और एक जीन यहाँ, दैट इज ए एंड बी। आज मैं कंसेप्ट सिखा दे रहा हूँ बच्चों, आगे ये पूरे साल आपको काम आएगा। ये एक जीन ए, अगर मैं इसके बीच की डिस्टेंस, आपको पता डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, भाई डिस्टेंस बिटवीन टू जीन हो गया, इसी को आप मैप यूनिट के नाम से जानते हो, आप क्यों, हम सभी जानते हैं। ठीक, इनके बीच होता है एक परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, या रिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ठीक, अब देखिए मैं अगर इनके बीच की दूरी बढ़ाता चला जाऊं, सपोज मैंने जीन यहां कर दिया ए एंड बी, और फिर मैं दूरी और बढ़ा रहा हूं, ये जीन मेरा यहां और ये जीन मेरा यहां। ठीक, और अगर मैं इनके परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, इसके बीच का ये परसेंटेज ऑफ अगर एक्स है और इसका परसेंटेज ऑफ अगर वाई है और इसका परसेंटेज अगर जेड है, तो अगर मैं इनके परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन को कंपेयर करूं तो जेड सबसे ज्यादा मिल रहा है, जेड सबसे ज्यादा, उसके बाद वाई, उसके बाद एक्स। इसका मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस ए और बी के बीच बढ़ रही है, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन बढ़ रही है, मतलब मैप यूनिट बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो मैप यूनिट बढ़ रहा है, और परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन बढ़ रहा है, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर डिस्टेंस बिटवीन टू जीन बढ़ेगा तो आपका परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा, इसका मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन है भाई, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप। आंसर फर्स्ट, बात को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब कोई चीज एक दूसरे की प्रोपोर्शनल होती है तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में होती है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इसके बिटवीन टू जीन्स के इसके बीच के परसेंटेज एक्स मान लू, उसका वाई, इसका जेड, तो हमें सबसे ज्यादा जेड, फिर वाई, फिर एक्स मिल रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो जीन की, आपके परसेंटेज ऑफ बढ़ रहा है, मतलब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पैरेलल रिलेशनशिप नहीं होगा। पैरेलल में दोनों चीजें इंडिपेंडेंट चलती हैं, इनसे इसका कोई संबंध नहीं होता, लेकिन संबंध है। अब इसको समझने के लिए हम एक मैथमेटिकल एप्रोच लगाते हैं,
ठीक है, मैथमेटिकल अप्रोच कुछ नहीं है। आगे भविष्य में आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक होगा लिंकेज, ठीक, और लिंकेज को अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल निकाला जाए तो होता है मैप यूनिट के, ठीक, और इसी को आप डिस्टेंस बिटवीन टू जीन बोलते हो। ठीक है, आज ये कॉन्सेप्ट सीख लो, आगे काम आएगा बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। और इसी को मैं अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बोल दूं, ठीक, और इसी को मैं अगर परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन बोल दूं, ठीक, या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बोल दूं, तो भी का मतलब, इसका मतलब लिंकेज होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैप यूनिट होता है, और डिस्टेंस बिटवीन टू जीन या परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग फॉर रिकॉम्बिनेशन। आपके क्वेश्चन में एक लैंग्वेज लिखी आती है टाइटली लिंक्ड जीन, ठीक है, या लूजली लिंक्ड जीन लैंग्वेज में आता है। तो जैसे ही टाइटली लिंक्ड जीन लिख के आए, मतलब कि उसमें लिंकेज ज्यादा हो रहा है, और जैसे आपने लिंकेज को बढ़ाया ये चीजें अपने आप घटनी शुरू हो जाएंगी। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज में जरूर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। लूजली लिंक लिखा है मतलब उनके बीच लिंकेज कम है, जब मैं लूजली लिंक की बात करूंगा लिंकेज कम है, ये चीजें अपने आप बढ़ जाएंगी। तो सारा खेल है क्वेश्चन की लैंग्वेज में। आपके 2013 का पीवाईक्यू खोल के देखिएगा, उस पर नीट जब हुआ था पहली बार तो ये सवाल आया था, लूजली लिंक और टाइटली लिंक, ठीक है। इफ द टू जीन्स आर लूजली लिंक देन व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट द रिजल्ट ऑब्टेंड। तो अगर लूजली लिंक लिखा हुआ है तो मतलब उसमें लिंकेज कम है, मैप ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग और ज्यादा है, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है। तो सारा खेल है आपके। अब लूजली लिंक और टाइटली लिंक क्या मतलब है, टाइटली लिंक का मतलब जीन पास पास है और दूरी का मतलब जीन दूर दूर है। अभी मैंने जो आपको तीन आपके सीक्वेंस बनाए तो सबसे दूर कौन सा, तीसरा वाला केस था। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में यही दो लैंग्वेज आपको मिलेंगे, और जैसे ये लैंग्वेज मिलेंगे तुरंत आप इस लेसन को अप्लाई करेंगे। कोई भी सवाल हो, किसी प्रकार का सवाल हो, आपका निकल जाएगा। और अगर आप पूरे आंसर खोल के देखेंगे तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालने का, इनके बीच से थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, कम से कम इस लेसन से आपसे 5 से 10 क्वेश्चन है आपके आंसर में, बात को समझिए। तो 2013 का पीवाईक्यू सेशन खोलने खत्म होने के बाद अभी तुम खोल के आप देखिएगा, ये सवाल आया हुआ है कि टाइटली लिंक, अब क्वेश्चन लिखेगा कि टाइटली लिंक जीन शो मोर लिंकेज, ठीक, टाइटली लिंक जीन शो लो रिकॉम्बिनेशन, ठीक, लूजली लिंक शो लो लिंकेज मोर रिकॉम्बिनेशन। तो ये जो आप बात बोल रहे हो ये इनके बीच के डिस्टेंस के ही आधार पर बोल रहे हो, ठीक है। तो ये अभी आप 2013 का पीवाईक्यू खोल के देखना, आज मैंने आपको बता दिया इसको, ठीक, ओके, इज अ फर्स्ट आंसर। कुछ नहीं, बड़े दुख की बात है कि आप लोग डायग्राम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ये आपके मल्टी सेलुलर ग्लैंड का है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड का है, और यही है सलाइवरी ग्लैंड। क्या है भाई, ये सलाइवरी ग्लैंड है और ये एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और हमारी बॉडी में तीन पेयर होती है तो आपको पता ही है। एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, तो हमें यही दिख रहा है पहला ही ऑप्शन। डायग्राम भी नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आप लोग, ये बड़े दुख की बात है। अब देखिए, हाउ मेनी मैचिंग आर इनकरेक्ट फॉर सीड इन एंजियोस्पर्म। सीड बेसिस है एग्रीकल्चर का, इसमें कोई शक नहीं, तो बुक की लाइन थी। अब देखिए, एंडोस्पर्मिक को ही हम एल्बुमिनस का नाम देते हैं, या तो एल्बुमिनस लिखा होता या एंडोस्पर्मिक तो भी होता। तो एंडोस्पर्मिक मेज होता है, बार्ले भी होता है, ठीक, लेकिन बीट जो होता है वो एंडोस्पर्मिक होता है या एल्बुमिनस होता है, तो नॉन तो नहीं होगा, तो इसलिए गलत हो गया। और पेरिस्पर्म आपको पता, आपकी बुक में दो एग्जांपल दी, सुगर बीट और ब्लैक पीपर, ठीक है, दो के एग्जांपल दिए हुए हैं। अब देखिए, सीड चाहे एंडोस्पर्मिक हो और चाहे नॉन एंडोस्पर्मिक हो, दोनों में एंडोस्पर्म जरूर बनता है, लेकिन जायगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान नरिशमेंट देते वक्त अगर पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया तो जो सीड मैच्योर बना उसको बोलेंगे ना एंडोस्पर्मिक, अगर कुछ बचा रह गया तो उसको बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। ये बात है, इसका मतलब चाहे सीड एंडोस्पर्मिक हो चाहे ना एंडोस्पर्मिक हो, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन दोनों में ही होता है। क्यों? क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक करेक्टर है एंडोस्पर्म का, और डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो एंडोस्पर्म बनेगा ही बनेगा। अब एक बड़ी बात, डबल फर्टिलाइजेशन में जायगोट बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। अब जो आपका फर्टिलाइजेशन से पहले न्यूक्लियस रहता है, ये आपको पता है 2n है, ये स्पोरोफाइट है, ठीक, और फर्टिलाइजेशन के बाद यही स्ट्रक्चर एज ए रेमिनेंट्स ये रह जाता है, जिसे आप पेरिस्पर्म का नाम देते हो, ठीक, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, माइंड इट। अब अगर ये स्पोरोफाइट है तो ये भी 2n होगा, ये भी स्पोरोफाइट होगा, ठीक। और कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ पेरिस्पर्म 2n, व्हाट द नेचर ऑफ पेरिस्पर्म
इज ए स्पोरोफाइट, लेकिन कमाल की बात, भले ही फर्टिलाइजेशन के बाद एज ए रेमिनेंट्स पेरिस्पर्म आपको बना है, लेकिन ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट नहीं है। माइंड इट, आपसे कई अंतर पूछे जाते हैं एंडोस्पर्म और पेरिस्पर्म में, तो एंडोस्पर्म में भी फूड फूड रिजर्व होता है, पेरिस्पर्म फूड रिजर्व होता है, ये डिप्लॉयड है वो ट्रिप्लॉयड है, और दोनों ही पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर तो हैं, लेकिन एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है। माइंड इट, और ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट नहीं है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है। फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये न्यूक्लियस एज ए रेमिनेंट्स के रूप में, पेरिस्पर्म के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये है असली कहानी बात, माइंड इट। आगे भविष्य में कभी क्वेश्चन मिले, मैं पेपर होने वाला तो नहीं हूँ, बात को समझिए, इसलिए माइंड इट रहे, ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट नहीं है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया, हमें सिर्फ एक ही गलत दिख रहा है, ये आंसर करके थर्ड। अब कुछ नहीं, ये तो मैंने व्यवस्थित आपसे गलत करा लिया, आपकी बुक में 130 मीटर का डेटा है, आपके दिमाग में सिर्फ 130 चलता है, और पहला दूसरा ऑप्शन 130 ही था, आपने डबल एम या सीएम तो देखा नहीं। लेकिन अगर आप इसको यूनिट सिस्टम में चेंज करोगे किलोमीटर में, तो 135 किलोमीटर भी हो सकता है, 0.13, आंसर विल बी 4। ये क्वेश्चन गलत, तो मैंने जबरदस्ती आप लोगों से करा लिया, बात को समझिए। यस, आपके बुक में डेटा 130 का, दो ऑप्शन शुरू में 130 है, तो आपको ये ध्यान नहीं है कि 130 मीटर है, ना कि मिलीमीटर, ना कि सेंटीमीटर, और इसको यूनिट में चेंज करेंगे तो 0.13 किलोमीटर आएगा, फोर्थ आंसर। आप देखिए, कुछ नहीं, कॉकरोच की अगर आप बात करें इन सभी स्ट्रक्चर्स की, तो हर्ट का नंबर तो भाई एक है, पहली बात। हिपेटिक सीका का नंबर 6-8 है, स्पाइरल 10 पेयर होते हैं और एक पेयर में दो होते हैं, तो आप इसको 20 लिख सकते हैं। और मेल्पिगन टिब्यूल का नंबर 100 से 150 होता है, तो इसका मतलब पहला ही हमें सेंडिंग ऑर्डर मिल गया। बहुत से बच्चों का गलत इसलिए हो गया, ये वाला ऑप्शन लगाया था क्योंकि उन्हें ये बात नहीं थी, जो 13 होते हैं वो चैम्बर होते हैं भाई, ठीक है। कॉकरोच में हार्ट एक होता है लेकिन चैम्बर 13 होता है, इसीलिए आपका ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो अगर हिपैटिक सीका अगर आप 6-8 लोगे तो ऑप्शन सेकंड आएगा, तो गलत होने की वजह ये थी क्योंकि उन्हें चैम्बर 13 तो याद था लेकिन हार्ट का नंबर तो एक ही है भाई, बात को समझिए, इसलिए आंसर पहला है भाई। अब कुछ नहीं, अब देखिए, जनरली जो आपकी बुक में, दोनों बुकों में बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया गया है, उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। क्या बता रहा हूं मैं, जो आपकी बुक में बैक्टीरियोफेज का डायग्राम बना है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन बुक में मॉलिक्यूलर में क्यूबी बैक्टीरियोफेज में आरएनए होता है, ठीक। और कोरोना वायरस तो आरएनए है ही, एचआईवी भी आरएनए, पोलियो भी आरएनए वायरस है, इसका मतलब इन चारों वायरस में कहीं भी डीएनए नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज, आंसर फोर्थ। आप देखिए, बड़े दुख की बात है कि ये डायग्राम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ये डायग्राम है वेसल्स का, ठीक, जो कि जाइलम का एक कंपोनेंट है। क्या है कंपोनेंट, और ये नॉन लिविंग नेचर का होता है, पहली बार ये नॉन लिविंग का नेचर का होता है, ये मेजर वाटर कंटेंट आपका एलिमेंट है, तो जाइलम का एक कंपोनेंट है, ये है वेसल्स, ठीक, और ये नॉन लिविंग नेचर का, डायग्राम में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आपको, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहीं से आपका सेशन खत्म हुआ, ठीक है। और बड़े दुख की बात है कि डायग्राम आप सोचिए आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कि आप केवल पढ़ रहे हो डायग्राम को, आज भी देखिए तो क्यों 4 सवाल आपके सिर्फ डायग्राम गलत हुए हैं, ये बड़े दुख की बात है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि नेक्स्ट फुल सिलेबस या नीट या जो भी टेस्ट आपके अपकमिंग होने वाले हैं उसमें आप डायग्राम को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करें, और डायग्राम में क्या मतलब निकलता है, क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर जरूर फोकस करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।